तो ये आपको जितनी ये लाइटें नजर आ रही है, सारे जहाज हैं यहाँ पर। ये सारे जहाज खड़े हुए हैं, ये सब जहाजों के अंदर जो लाइटें चल रही हैं। और सामने देखे चांद, माशाल्लाह क्या खूबसूरत मंजर है जी। अगर जाएंगे वहाँ आगे हम लोग उतर नहीं सकते, सिर्फ विजिट करवाएंगे, मतलब वहाँ भी उतर नहीं सकते आगे। और 6 बजे से पहले पहले तो अभी फिश जो है ना हमारी यहाँ पर जो है ना वो रेडी हो रही है, तैयार हो रही है। ये भाई जान जो है ना फ्राई कर रहे हैं। अच्छा ग्रिल भी हो जाती है? अच्छा ग्रिल भी यहाँ पर की जाती है, ग्रिल उस तरफ हो रही है और फ्राई हो रही है यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, मैं उमर याद, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज का सीन जो है ना वो कुछ ऐसा है कि भाई आपका भाई आया है जी फिर से जो है ना वो कमारी में। वो मेरे कज़न है कुछ, और उसके अलावा एक दोस्त है मेरा और मामू जान है, उनके साथ हम लोग आए हैं यहाँ पर फिश खाने के लिए। फिर चलते हैं, रेस्ट भी करते हैं, और कौन कौन मेरे साथ है वो भी आप लोग को बताते हैं। तो फिर ये सब जानने के लिए आए हमारे साथ। तो अभी बैग जो है ना हम लोगों ने यहाँ पर जो है ना वो पार्किंग लगा दी है, पर्चियाँ बनवा ली हैं। साथ में मेरे शरफ भाई हैं, और उसके अलावा अभी और कौन है वो भी आप लोगों को बताते हैं। चलते हैं, ज़हीर साहब आगे आगे जा रहे हैं और साथ में ये जी ज़हीर और मामू जान। चले चलते हैं जी, अभी हम लोग जा रहे हैं जो है ना वो जहाँ फिश जो है ना मिलती है, फिश खुद खरीदेंगे, फिर इंशाल्लाह उसको जो है ना फ्राई करवाएंगे। तो फिश खरीदते हैं फिर इंशाल्लाह फ्राई करवाते हैं। आज का व्लॉग फुल कमाल का होने वाला है। अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो फिश अभी जो ना हम लोगों ने ले ली है और वहाँ कटाई के लिए दे दी है। ये देखें कि झींगा पड़ा हुआ इधर, ये सारी फिश की, मेरे को इनके नाम भी नहीं आते, पता नहीं कौन 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 सी फिश है ये। हर किस्म की जो है ना यहाँ आपको फिश मिल जाएगी। इस तरफ देखें, तो फिश की जो है ना फाइनली फ्राई हो गई है, ये बन गई है जी। अभी जो है इसको फ्राई करवाना है और पैसे भाईजान को दे दिए, अभी कटवाते हैं जी। अभी चलते हैं जी जो है ना फ्राई करवाने के लिए, आगे मार्केट है वहाँ से फ्राई करवाते हैं। तो ये है जी मेन मार्केट, मतलब कि यहाँ पर जो है ना फ्राई वगैरह करते हैं और उसके बाद जो है ना लोग फिर खाते हैं यहाँ पर बैठ के। ये सारे फ्राई करने वाले हैं यहाँ पर, अभी चलते हैं फ्राई करवाते हैं फिर इंशाल्लाह देखते हैं। अरे लोग कहाँ पीछे रह गए यार, आ जाओ इधर, आगे आ जाओ। फिश फ्राई के लिए फिश जो है ना अभी भाईजान को हम लोगों ने दे दी है जी, चेक कर लें कितनी है। हाँ फ्राई करने का नहीं, यहाँ पर ही होगी। हम लोग 4 बंदे, वो बिठा दिया ना, ये बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप लोग इसका अभी इसका वेट करेंगे, उसके बाद फिर जो है इसको फ्राई करेंगे। तो फाइनली जी टोकन जो है ना हमें मिल गया है जी, ये 640 रुपए मतलब के फ्राई के हैं। तो फ्राई करने के लिए उन लोगों ने जो है फिश वहाँ पर दे दी है, बाकी फिर वेट करते हैं तब तक जब तक फ्राई होके नहीं आती। कितनी देर लगेगी? कम से कम 20 मिनट में पहुँच जाएगी। ठीक हो गया ये जी, फाइनली जी पैसे मिल गए। तो अभी फिश जो है ना हमारी यहाँ पर जो है ना वो रेडी हो रही है, तैयार हो रही है। ये भाई जान जो है ना फ्राई कर रहे हैं। अच्छा ग्रिल भी हो जाती है? अच्छा ग्रिल भी यहाँ पर की जाती है, ग्रिल उस तरफ हो रही है और फ्राई हो रही है यहाँ पर। हमारा जो रोकन है ना वो 91 तक फ्राई हो चुकी है यहाँ पर है, और ये थोड़ी देर में हमारे पास जो है ना पहुँचती है जी। तो चलते बाहर जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, कटाई यहाँ पर भी हो रही है। तो फाइनली जी फ्राई के लिए फिश हम लोगों ने जो है वो दे दी है, टोकन हमें जो है ना मिल गया है। तो हम अभी जो है ना इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना। तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे फ्राई होने में, फ्राई होकर आती है फिर इंशाल्लाह टेस्ट करते हैं और इसका रिव्यू आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करते हैं। बट साहब मोबाइल चैने बिजी ने, कितना गल कर रहे हो जी, कितने नहीं गुफ्त को। मामू जान साथ बैठे हुए हैं और इधर जी हमारा दोस्त शाहरुख, ये हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। ये पूरी फिश की मार्केट है जी यहाँ पर, देखें। अगर आपने खानी है फिश वो भी ताज़ी बिल्कुल फ्रेश, तो आपको यहाँ पर इस मार्केट में आना पड़ेगा। ये कमारी में है कराची में, यहाँ आप खुद खरीदें फिर फ्राई करवाएं और फिर खाएं।
ठीक है ना। और फ्राई के जो है ना इस टाइम पे 1 kg के ये ले रहे हैं 300 रुपया, और हमारा जो है ना वो टोकन बना 640 रुपये का। चलें मिलते हैं फिश आने के बाद। तो फाइनली जी इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म, फिश आ चुकी है जी। ठीक है जी, ये 2 ट्रे में इन लोगों ने भेजी है जी, माशाल्लाह। ये देखें जी, और साथ में चपातियां हैं जी, रुमाली चपाती। हाँ, और साथ में आ गए जी ये चटनी इन लोगों ने जो बनाई हुई, और ये वाला रहता तो हम यूज़ नहीं करेंगे, चटनी करेंगे, सलाद है। तो चले फिर करते हैं शुरू और करते हैं टेस्ट, और इसका जो है ना वो आप लोग को रिव्यू जो है ना वो देते हैं कैसी है जी। माशाल्लाह, चलो मामू जी खाओ और बताओ भाई कैसा है इसका रेस्ट। जहीर साहब कैसी लगी? यमी यमी, फुल यमी यमी। अच्छा, आपको मामू जी गुड हो गया, जिंदाबाद। हाँ चले जी, शरू भाई आप बताइए। अमेजिंग टेस्ट, यमी, फुल अमेजिंग अमेजिंग। चले जी, भी आपको भाई जनों को टेस्ट करना है, फिर इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना है। कल वाली वीडियो में भी हम लोग आपके साथ जनों को रिव्यू इसका शेयर किया था, काफ़ी VIP जनों को फिश जो है पढ़ाई थी। इसके मेन जो मसला ना वो ये होता है कि आप फिश को ले लेते हैं, मगर फिर फ्राई करने वाला जो है वो बंदा कमाल का होना चाहिए, क्योंकि फ्राई करने वाला जो इसमें टेस्ट डालेगा, मसाले वगैरह जो भी होते हैं। तो कल हम लोगों ने वो फर्स्ट पर वहाँ से फ्राई करवाई थी। आज जो है ना ये है अर्बन रेस्टोरेंट, यहाँ से जो है ना अभी फ्राई करवाई है, तो फिर बनाते हैं जी। एक निवाला दो यार इधर। ये है जी, इसमें ये चीज़ है कि कांटा जो है ना एक ही इस फिश में, आपको खाने में जो है वो मसला नहीं होगा। ये रोहू है, ये लगाते हैं जी, और ये इन्होंने जो है ना वो सब मिर्च की जो है चटनी बनाई हुई है। कमाल के जो है फ्राई किए भाई ने, बड़ा कर देते हैं। आप भी यहाँ पर आए और फिश खरीदे, यहाँ से फ्राई करवाए और खाए, सर्दी आ गई है। ये चेक करें जी, माशाल्लाह फिश बनती है फ्राई करने वाले से। ये देखिए माशाल्लाह, तो जी व्यूअर्स फाइनली जो है ना फिश खा ली है माशाल्लाह, बहुत अच्छा जो है ना टेस्ट था, और काफी अच्छा लगा यहाँ पर आके जो है ना फिश खा के। हम जन आपको कैसा लगा? VIP। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी यहाँ से वापस बाहर। जहीर कह रहे हैं कि सामने जो कबाड़ी है ना, यहाँ पर कौन सी जगह है ये जो सामने जहाँ से लाचे जाती है? हाँ, तो बोल रहा है कि भाई हम लोगों ने वो जगह देखनी है, शायद अभी बंद हो। चलो देखते हैं, सही राय चले फिर उधर देखते हैं, चलो ट्राई मार लेते हैं, देख लेते हैं यार। ये यहाँ फिश जो है लगा के बैठा हुआ लड़का भाई जी, ये पेठा, ये सेब का जो है ना वो है, क्या इसको बोलते हैं यार, मुरब्बा, मुरब्बा बोलते हैं ना ये, क्या ये पेठा है, ये पतासा, ये पतीसा है। देखिए अभी हम लोगों ने फिश खाई है तो ये नहीं खा सकते वापसी में, चलो देखते हैं क्या प्राइस है इसकी। 200 रुपये पाव है, मतलब कि पाव मिलता है या उससे कम भी मिल सकता है? अच्छा, जितना मर्जी है। तो ये जगह यहाँ से जो ना आगे लांचे जाती है मरोड़ा, और जो शिकार के लिए लोग जाते हैं, मगर हम लोग अभी अंदर जाने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो ये जगह बंद है जी इस वक्त। ये तकरीबन जो है ना मगरब के टाइम पे ये बंद कर देते हैं, अंदर लांचे खड़ी हैं मगर ये सारी जगह जो है ना बंद है, अभी अंदर नहीं जा सकते जी। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, ये जगह बंद है इस वक्त? ये जगह बंद है। किस टाइम पे ये बंद हो जाती है? ये तो जगह बंद है, आगे खुली हुई है। नहीं जाने देते, अंदर जाने देंगे? किस तरफ से? अच्छा, आगे वाली साइड से। यार हम लोगों ने आगे जहाँ लांचे खड़ी होती है वहाँ पर जाना था। खड़ी होते ना इधर से सीधा चले, आगे वाला गेट है। आगे गेट है, आगे गेट है। जाने देंगे इस वक्त? नहीं जाने देंगे। वैसे इसका टाइमिंग वगैरह क्या है, को बंद करने का? गेट बंद करने का नहीं है, दिन रात खुला हुआ था। अच्छा जी, हम समझ रहे थे कि ये साइड जो है ना बंद है, मगर नहीं, ये वैसे ही जो है ना काफी अरसे से बंद की हुई है,
पहले ये दरवाजे होते थे ना, काफी टाइम पहले मैं आया था यहाँ पर, तो तकरीबन यार एक कितना टाइम हो गया होगा, कम से कम भी जो है 4 साल तो हो गए होंगे। इसका दरवाजा इस तरफ है भाई, रही वो आगे वाली साइड पे इसका दरवाजा है, वहां से जो है ना ये अंदर जाने देंगे। ये दरवाजे उन लोगों ने बोले बंद कर दिए, पहले मामू यही दरवाजे थे ना इस साइड के, पहले तकरीबन मेरे को 3-4 साल पहले मैं आया हूँ यहाँ पर इस जगह पर, अभी इस तरफ है। चले इंशाल्लाह आपको जो है वो जगह दिखाते हैं, अभी भाई पक्की जगह दिखाएंगे आपको। तो ये है जी दरवाजा, हम लोग उस साइड पर गए थे वो तो बंद था। फाइनल जी फिश खाने के बाद हम लोग आगे हैं जी यहाँ पर, यहाँ से आगे जो है ना मरोड़ा जाते हैं। ये जगह इस टाइम पे मेरे को लगता है रश वगैरह यहाँ पर नहीं है इस वक्त, बिल्कुल जो है वो बंद है। देखें यहाँ से जो है ना आगे ये साइड है जी, भी काफी VIP जो है ना ये जगह बनाई हुई है। ये है जी इधर, अभी यहाँ पर रश नहीं है इतना। देखो जी इस वक्त रश नहीं है यहाँ, टाइम क्या हो रहा है तकरीबन 9:30, हाँ टाइम क्या हो रहा है 9:30 हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग आए हैं, रश नहीं है, यहाँ से लोग जाते हैं रोड़े और जो शिकार वगैरह करने के लिए जाते हैं। ये सारी लांचें जी यहाँ पर खड़ी हैं अभी, ये देखें और उस साइड पर है, ये कोई किसने बुक करवाई होगी ना, प्राइवेट है ना, वो प्राइवेट है, लोकल नहीं चल रही अभी, बंद होगी इस टाइम पे। कितने बजे तक चलती है लोकल? 6 बजे तक और उसके बाद बंद। हाँ लोकल का वैसे क्या किराया चल रहा है यहाँ से? 100-150 रुपये फ्री बंद है ये। अभी जो है ना 6 बजे ये लांचे यहाँ खड़ी कर दी जाती हैं, मतलब कि 6 बजे के बाद नहीं कोई भी जाता आगे। और ऐसे आप लोग आएंगे तो लोकल चल रही होती है, 100-150 रुपये फी बंदा जो है ना वो यहाँ से मरोड़ा जाते हैं। स्पेशल अभी करवानी पड़ेगी उसके लिए ना। अब तो स्पेशल कितने में जाती है? बंद होते मतलब कि यहाँ से अगर जाएंगे वहाँ आगे हम लोग उतर नहीं सकते, सिर्फ विजिट करवाएंगे, मतलब वहाँ भी उतर नहीं सकते आगे। और 6 बजे से पहले पहले ठीक हो गया जी। तो अगर हम लोग प्राइवेट भी अभी करवाते हैं तो वो सिर्फ हम लोग विजिट कर सकते हैं। ये अंदर जो ये आपको जितनी ये लाइटें नजर आ रही है सारे जहाज हैं यहाँ पर, ये सारे जहाज खड़े हुए हैं, ये सब जहाजों के अंदर जो है लाइटें चल रही हैं। और सामने देखे चांद, माशाल्लाह क्या खूबसूरत मंजर है जी। पहले जब हम लोग आए थे उस तरफ से आए थे, वो वाला जो गेट आपको बोल रहा था ना मैं बंद है, वो इस वजह से बंद किया हुआ है ना, उस साइड से हम लोग नीचे उतरे थे। ये यहाँ कोई काम वगैरह जो है ना वो हो रहा है, इस वजह से जो है ना इन लोगों ने ये वाली साइड बंद की हुई है। ये काफी VIP यहाँ वाली साइड जो है ना वो होगी, ये वाली साइड। अभी जो है ना ये लॉन्च यहाँ से जा रही है जी, ये खाली विजिट ही करेंगे, नहीं जा सकते ये, अभी खाली थोड़ा सा आगे जो है वो घूम फिर के आ जाएंगे जी। ये भी खड़ी है, बाकी अगर आप लोगों ने जो है ना वो लॉन्च पे बैठ के आगे जाना है, इससे आगे भी एक जो है वो बीच है, वहाँ पर अगर आप लोगों ने जाना है तो आपको तकरीबन जो है ना वो रोशनी रोशनी में आना पड़ेगा दिन बजे, क्योंकि 6 बजे लांचें बंद हो जाती हैं। 6 बजे आप यहाँ से आगे भी नहीं जा सकते, आगे जाएंगे भी तो वहाँ पर आप उतर नहीं सकते, वहाँ पर भी सिक्योरिटी वगैरह होती है और वहाँ पर काफ़ी जो है वो सख्त सिक्योरिटी है, वहाँ तो आर्मी है सारी। अभी हम लोग जा रहे हैं जी यहाँ से वापस, इसलिए कि अगर यहाँ पर लॉन्च का कोई होता सिस्टम तो हम लोग आगे भी जाते, मगर आगे जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, बंद है, और जाएंगे भी तो स्पेशल हमें जो है वो लॉन्च करवानी पड़ेगी, मतलब क्या फी बंदे ऐसे 100-150 रुपये है, अगर स्पेशल करवाते तो कम से कम 1500-2000 रुपये वो लेता, हाँ 2000-2500 रुपये लेता, तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। अभी चलते हैं यहाँ से जो है ना वापस, तो आज का व्लॉग करते हैं जी यहाँ पर ही खत्म। अगर आप लोगों ने वीडियो कब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपने दिल की राय का जरूर इजहार करना, दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।